नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एनिमल वर्ल्ड विद डॉक्टर जांगिड। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू गिव द ओरल मेडिसिन टू योर पेट, यानी कि अपने डॉग को किस तरीके से ओरल मेडिसिन दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। तो शुरू से लेकर और अंत तक वीडियो को देखना है और उस बात को फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंह से और मेडिसिन देना, किसी भी डॉग को यदि अपन ओरली कोई मेडिसिन देते हैं तो वो सबसे कॉमन तरीका माना जाता है और सबसे इजी तरीका भी माना जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई अनट्रेन्ड डॉग्स होते हैं, यानी कि जिनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है, उनको ओरल मेडिसिन देना जो होता है वो खतरनाक साबित हो सकता है। खास करके यदि कोई बीमार डॉग है, उसको यदि अपने को कोई ओरल मेडिसिन देनी है और आपको पता नहीं है कि किस तरीके से दवाई दी जाती है, तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें। जी हाँ, दूसरी बात, वॉमिट की कंडीशंस हो, जैसे किसी डॉग को किसी कारण की वजह से वॉमिट स्टार्ट हो गई और आपको दवाई पिलानी है या दवाई टैबलेट के फॉर्म में देनी है और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि किस तरीके से, यानी कि टेक्निकली आपको नहीं पता कि किस तरीके से मेडिसिन दी जाती है डॉग को, तो ऐसा बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें। वो उसकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है। दोस्तों, मार्केट में जो मेडिसिन होती हैं वो टैबलेट फॉर्म में भी आती है, मतलब जनरली जो होता है, जो दवाइयाँ होती हैं वो टैबलेट फॉर्म में होती है, कैप्सूल फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में भी होती है, और कुछ मेडिसिन जो होती है वो सिरप यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं। तो इन सभी टाइप्स की जो मेडिसिन हैं इनको देने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको लिक्विड मेडिसिन आपको आपके पेट को देनी है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, देखिए क्या होता है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए डॉग है आपके सामने, डॉग है, आपको उसको जो है ओरल लिक्विड उसको मेडिसिन देनी है, तो उसके लिए आप उस डॉग को अपने पास में बहुत ही प्यार से उसको रेस्ट्रेन करके रखें, बिल्कुल भी उसको किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं होने दें। उसके निचले जबड़े को, जो नीचे वाला जो होता है, उसको एकदम जेंटली उसको होल्ड करना है, और होल्ड करके जो ऊपर वाला उसका जो होता है, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसको उसके स्नाउट से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर जेंटली उठाना है, और उठा करके जो लिक्विड मेडिसिन है उसको सिरिंज में जितनी क्वांटिटी डॉक्टर ने बताई है उतनी क्वांटिटी तक उसको फिल करना है, और फिल करने के बाद में स्लाइटली उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में उसके फेस को जो है झुकाना है, और झुका करके जीभ के सहारे सहारे उस दवाई को छोड़ते जाना है सिरिंज के द्वारा। यानी कि जितनी क्वांटिटी में डॉग दवाई पीता जाता है वैसे वैसे उस हिसाब से दवाई आपको उसके मुंह में छोड़ते जाना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें आप ये बात विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप लिक्विड मेडिसिन अपने डॉग को पिलाते हो तो गर्दन जो होती है वो उसकी ज़्यादा ऊँची नहीं होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, लिक्विड दवा पिलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से दवाई पेट की बजाय फेफड़ों में चली जाती है, लंग्स के अंदर चली जाती है, और एस्पायरेशन निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे डॉग की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए कोई भी लिक्विड मेडिसिन हो या कोई लिक्विड डाइट हो, उसको पिलाने में या खिलाने में बहुत ही विशेष ध्यान की आवश्यकता। अब अपन बात करते हैं कि डॉग को टैबलेट किस तरीके से दें। तो दोस्तों, जब भी डॉग को टैबलेट फॉर्म में यदि दवाई देनी होती है तो सबसे आसान तरीका यही होती है कि सबसे पहले डॉग को उसकी मनपसंद चीज़ को खिला दें, यानी कि डॉग जो है जिस चीज़ को पसंद करता है खाने में वो वस्तु उसको खिला दे, ताकि उसके मुंह का जो चेंज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि पैलेटेबिलिटी जो होगी वो उसके जो उसका जो ओरल कैविटी है उसकी चेंज हो जाएगी, जिससे वो आसानी से दवाई के स्वाद को पहचानेगा नहीं और आसानी से दवाई को जो है निगल लेगा। तो खाना खिलाना इसलिए भी ज़रूरी होता है टैबलेट देने से पहले, क्योंकि खाली पेट कभी भी टैबलेट नहीं देनी चाहिए। खाली पेट टैबलेट देने से या तो वो उसको बाई वॉमिटिंग उसको बाहर निकाल देगा या फिर उसको बाहर फेंक देगा,
या उसको उल्टी भी हो सकती है। तो इसलिए कोई भी टैबलेट फॉर्म में यदि मेडिसिन देनी है तो सबसे पहले उसकी मनपसंद चीज़ जो है डॉग को खिला दें, और खिलाने के बाद जो है उसको मेडिसिन, वो दवाई जो है, वो टैबलेट जो है, वो उसको खिला दें। एक तरीका ये भी होता है कि जो चीज़ उस डॉग को पसंद है उस चीज़ के अंदर आप उस दवाई को या उस टैबलेट को जो है छिपा करके, यानी कि हाइड कर करके भी खिला सकते हैं। मान लीजिए आपका डॉग है, वैसे तो मीठा नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि डॉग को मिठाई बहुत पसंद है, रेगुलर नहीं देनी चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, छोटा सा मिठाई का टुकड़ा लेना, टुकड़े को और वो जो टैबलेट है उसको क्रश करके उसका पाउडर बना लेना, पाउडर बना करके उसके अंदर ही उसको मिक्स कर देना बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी के अंदर, और उसके मुंह में उसको डाल देना है। तो उससे वो आसानी से जो है उसको टेस्ट भी आएगा, दवाई के जो टेस्ट का पता चलेगा नहीं, और अपनी दवाई भी आराम से वो ले लेगा। तो एक तरीका ये भी होता है। दोस्तों डॉग जो होते हैं वो टैबलेट को आसानी से खाते नहीं है, वो डॉग जो टैबलेट होती है उसको बाहर फेंकने में बड़े ही माहिर होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी आप अपने डॉग को टैबलेट खिलाते हैं तो वो टैबलेट जो होती है वो उसके गले के, मतलब जो डीपली जो है उसको टैबलेट को आपको छोड़ना है, जीभ के सहारे जो अंदर तक गले के बेस तक आपको टैबलेट को छोड़ना है, ताकि आसानी से वो जो है टैबलेट स्टमक में चली जाए और वो अपना काम शुरू कर दे। और हाँ, टैबलेट देने के बाद में ज़रा सी डॉग की जो गर्दन होती है उसको ऊपर करके थोड़ा सा उसको मालिश कर देना ज़रूरी होता है, ताकि वो जो टैबलेट होती है वो एक मूवमेंट के द्वारा जो है गले में चली जाए और गले से सीधा स्टमक में चली जाती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो बाहर निकाल भी नहीं पाएगा और आसानी से वो टैबलेट जो है उसके पेट में चली जाएगी। तो दोस्तों थोड़ी सी अगर जानकारी हो और थोड़ी सी टेक्निक यदि पता हो तो आप भी अपने पेट को बड़ी आसानी से बिना किसी डिस्टर्बेंस के मेडिसिन दे सकते हैं और आपका डॉग जो है फिट एंड फाइन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।